सो लास्ट टू लास्ट वीक, 2 हफ्ते पहले हमने डॉट मंडाला सीखा था. पेरेंट्स भी थे उस मीटिंग में, कुछ बच्चे भी थे. एंड देर आर सो मेनी स्टूडेंट्स हुव नॉट अटेंडेड दैट सेशन. जिन लोगों ने अटेंड नहीं किया है लास्ट सेशन, वी विल सेंड द वीडियो ऑफ लास्ट सेशन अगेन ऑन योर चैट, ऑन योर व्हाट्सएप ग्रुप. सो प्लीज प्लीज वॉच इट. अगर आपके फ्रेंड्स ने कुछ आर्ट वर्क नहीं बनाया है तो आपने फ्रेंड्स को बोलो कि ट्राई करें आर्ट बनाने का, बिकॉज यू ऑल नो कि वी विल ट्राई टू सेल योर आर्ट वर्क समटाइम. हम आपके आर्ट वर्क को कहीं ना कहीं बेचने की कोशिश करेंगे एक पॉइंट के बाद. तो आपको अभी से ही प्रैक्टिस करना है, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपका आर्ट वर्क परफेक्ट नहीं हो पाएगा. फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द चैट बॉक्स, हाउ मेनी पेंटिंग्स डिड यू मेक इन लास्ट 2 वीक्स. आपने लास्ट के 2 हफ्तों में कितने डॉट आर्ट्स बनाए हैं? आई नो अनीज ने बहुत सारे आर्ट बनाए हैं, उमेश हाजिरा के भी आर्ट वर्क देखने को मिले, अमनुल्ला का आर्ट वर्क देखने को मिला. अमनुल्ला ने इनफैक्ट अभी 5 मिनट्स में एक आर्ट वर्क बनाया है. तो प्लीज काउंट करो गाइज, आप लोगों ने कितने ड्रॉइंग्स बनाए हैं, कितने डॉट आर्ट्स बनाए हैं, एंड पुट इट ऑन द चैट बॉक्स. आई वेट फॉर 30 सेकेंड्स. Give me a number on the chat box. I want to see कि आप लोगों ने कितने drawings बनाए हैं. Quickly count it. Mahek said 3. Mahek, if you could also just quickly turn your video on and show. Shahid 0. That's very very bad. Please try and practice, because ये जो artwork हम आपको सिखा रहे हैं इसका बहुत scope है पैसे कमाने का. You can make beautiful things. Amanullah said 3, Ume Kulsum said 1. I think I remember Ume Kulsum's drawing. It was really nice. Others? Okay, Mahek will send me pictures on WhatsApp. Guys, quickly tell me, bahut sare bachche yahan pe, even if you've not made, put a 0. Put a 0, please. Shahid, yes, NFT. Aap bana sakte ho isko NFT bhi. बट उसके लिए यू नीड टू प्रैक्टिस, एंड अपेरेंटली आपने कुछ भी नहीं बनाया है. सो आई डोंट नो हाउ यू आर गोइंग टू प्रिंट एन एनएफटी आउट ऑफ इट. अनीस ने 4 ड्रॉइंग्स बनाए हैं. साहिल 0, शाबाश 0. ओके, महक रिहान 0. गाइज प्लीज अंडरस्टैंड कि हम आप लोगों को फोर्स नहीं करेंगे बनाने के लिए, बट अगर आप बनाओगे तो हो सकता है कि आगे जाके आप अपने प्रोडक्ट बेच सको. बट प्लीज प्लीज इफ यू हैव नॉट मेड एनी ड्रॉइंग सो फार, अगर आप लोगों ने नहीं बनाया है तो गेट योर पेंट. आप लोग लेकर आओ, 20 रुपए के 2 बॉटल्स मिल जाएंगे छोटे से एक्रेलिक पेंट का. गेट इट एंड स्टार्ट मेकिंग. सो कैन वी ऑल, बिफोर वी स्टार्ट दिस सेशन प्रॉपरली, कैन वी ऑल मेक अ प्रोमिस कि अभी जब नेक्स्ट वीक हम वेडनेसडे या थर्सडे को वापस से मिलेंगे, तब तक इस कॉल में जितने भी बच्चे हैं एटलीस्ट वो एक ड्राइंग जरूर बनाएंगे डॉट आर्ट वाला, एटलीस्ट ट्राई करेंगे. कैन वी ऑल मेक दैट प्रॉमिस? कम ऑफ म्यूट एंड से यस और नो. यस मैम, यस मैम, यस मैम, यस मैम, यस मैम. थैंक यू. दोज हु हैव नॉट मेड एनी ड्राइंग, प्लीज ट्राई, इट्स नॉट सो हार्ड. एंड अगर आपको अभी भी लगता है कि ये बहुत फालतू चीज हम सीख रहे हैं, तो वेट फॉर द एंड ऑफ द सेशन एंड वील सी कि आप लोगों का इंटरेस्ट चेंज होता है या नहीं. अगर आप एक बार देख लेते हो कि इसका क्या क्या स्कोप है, तो लेट्स सी कि आप लोगों का इंटरेस्ट चेंज होता है या नहीं डॉट आर्ट को लेके. ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड. और को सर, सो वेलकम टू आवर सेकेंड आर्ट सेशन. लास्ट टाइम हमने डॉट आर्ट सीखा है. डॉट आर्ट बनाने के लिए डॉटिंग टूल्स मिलते हैं ऑनलाइन, लेकिन हमारे पास डॉटिंग टूल्स है नहीं, तो इसीलिए हमने कौन कौन सी चीजें यूज करी है गाइस, टेल मी क्या क्या चीजें यूज करी है. ईयरबड्स, पेंसिल की टिप, ईयरबड्स, पेंसिल की टिप और क्लिप. क्लिप, यस, जो स्लेड लगाते हैं बालों में, क्लिप्स. व्हाट एल्स? ब्रश, पेंट ब्रश का टिप या एंड, पेन का एंड, कोई भी ऐसी चीज जो नीचे से राउंड वाला शेप हमको दे सकता है, हमने वो वाली चीजें स्टार्ट करी थी. हमने वो चीजों को यूज करना स्टार्ट करा था. राइट, विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. और को सर, ये आप लोगों के कुछ आर्टवर्क्स हैं जो आप लोगों ने हमें भेजे, और भी बहुत सारे आप लोगों ने भेजे हैं जो कि बहुत अमेजिंग थे, लेकिन ये कुछ आर्टवर्क थे जिसे हमें लगा कि बच्चों ने बहुत अच्छे से सिमेट्री में या एकदम सर्कल में बनाया है,
और इसी तरह अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो हो सकता है कि आगे जाके आप एकदम परफेक्ट सर्कल में अपने ड्राइंग्स बनाना सीख जाओ। ये हमें बहुत अच्छी लगी, तो हम ये आपको सेलिब्रेट करने के लिए दिखा रहे हैं सबके सामने कि इन बच्चों के जो ड्राइंग्स हैं दीज आर रियली नाइस। आई वोंट टेक नेम्स, आपको पता है किसने बनाया है ये। सो कंग्रेट्स गाइज, वेरी वेरी गुड आर्ट वर्क यू गाइज हैव मेड एंड कीप इट अप। बाकी जिन लोगों ने नहीं बनाया है, आई होप टू सी योर ड्रॉइंग्स नेक्स्ट सेशन में जब हम ऐसे प्रोजेक्ट करेंगे। आई होप कि आपके ड्रॉइंग्स भी मुझे देखने को मिले यहाँ पे। सो प्लीज मेहनत करो सो दैट हम आपको भी सेलिब्रेट कर सके सबके सामने। नाउ आई वॉन्ट टू शो यू अ वेरी स्पेशल ड्रॉइंग जो एक डिफरेंट स्कूल के बच्चे ने बनाया है। ओके, डू यू सी दिस गाइज? ये क्या है? व्हाट इज दिस? वॉच क्लॉक। इट्स अ क्लॉक। डू यू सी? किसी बच्चे ने एक क्लॉक के अंदर वाले सरफेस पे इतना अमेजिंग डॉट मंडाला बनाया है। ये प्रोडक्ट कितना यूनिक है, और इस प्रोडक्ट को अगर आप मार्केट में ऐसे बेचने के लिए रखते हो तो ऐसे ही कोई ना कोई इसको खरीद के लेके जाएगा। डू यू अग्री विथ मी? वुड यू लाइक टू हैव अ क्लॉक लाइक दिस इन योर हाउस? क्या आप चाहते हो कि ऐसे आपका कितना सुंदर सा एक क्लॉक है जो बनाया है किसी ने? वुड यू बाय समथिंग लाइक दिस? Yes. Yes, ma'am. Yes. Ma'am, that Tuta cloth है हमारे यहाँ. Yes, ये क्लॉक आपको बहुत सस्ते में मिल जाएगा मार्केट में, जिसका एक प्लेन बैकग्राउंड में आप इस तरह से ड्राइंग बना सकते हो। करेक्ट और नॉट? सो दिस इज वॉट हम आपको जो प्रैक्टिस करवा रहे हैं, जो डॉट आर्ट, उसको आप इस तरह का चीज बना के द स्टूडेंट कैन नाउ सेल इट। ये किसी एक डिफरेंट स्कूल से, किसी डिफरेंट क्लासरूम में एक बच्चे ने बनाया है। एंड गाइज, आप लोगों के जो आर्ट वर्क है वो हम दूसरे लोगों के साथ शेयर करते हैं। आप लोगों के नाम के साथ हम उनको भेजते हैं कि ये बच्चे ने बनाया है इस तरह से। सो प्लीज अपना नाम लिख के यू सेंड अस योर आर्ट वर्क, हम दूसरे लोगों को दिखाएंगे और हो सकता है आगे आपके लिए बहुत चांसेस खुले। मैं अभी आपको इतना ज्यादा होप्स नहीं दे रही हूँ, बट होप इज स्टिल देयर। आप लोगों के लिए बहुत सारे ओके। सो जस्ट लाइक दिस आर्टवर्क, जैसे इस बच्चे ने एक सरफेस पे क्लॉक पे, जो कि एक पेपर नहीं है, दूसरा कोई सरफेस है, उस पे आर्ट बनाया है, उसी तरह आज की क्लास में हम लोग भी अलग अलग सरफेस पे आर्ट बनाना सीखेंगे। ओके, और को सर नेक्स्ट स्लाइड। सो नाउ वी हैव अ क्विक एक्टिविटी फॉर 2 मिनट्स। आप अपने घर पे, आप सबको 2 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। फाइंड आउट कोई भी ऐसी चीज जो आप शायद यूज नहीं करते हो, कोई डब्बा हो या कोई कार्डबोर्ड हो या कोई भी ऐसी पुरानी चीज हो जिसपे आप ड्रॉइंग कर सकते हो। सो कलेक्ट ऑल दीज आइटम्स एंड आप अपने पास, देन टर्न योर कैमरा ऑन एंड शो अस कि आपने क्या क्या कलेक्ट किया है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास यहाँ पे एक फेविकॉल का डब्बा है जो अभी फिलहाल के लिए मैं यूज कर सकती हूँ। सो यू कैन फाइंड एनी डब्बा, ग्लास, बर्तन, कोई भी चीज। सो 2 मिनट्स, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। प्लीज गो गेट व्हाट एवर यू कैन कलेक्ट। मैम उठो, मैम वीडियो दिखा। डार्लिंग प्लीज डोंट आस्क मी टू टर्न माय वीडियो ऑन, आई एम रियली अनवेल। मैम शाहिद, कैन यू प्लीज गो एंड गेट योर थिंग्स फर्स्ट। ऑर्को सर हैज गॉट डन मैम। ऑर्को सर के घर के पास बॉटल्स पड़े हैं। थैंक यू ऑर्को सर, आई कैन नॉट टर्न माय वीडियो ऑन बट ऑर्को सर हैज शोन यू सम थिंग्स दैट ही गॉट। गाइस योर टाइमर हैज ऑलरेडी स्टार्टेड। हां मैम डन। वेरी गुड, प्लीज टर्न योर वीडियो ऑन इफ यू आर डन विद इट। अनीस स्क्रैपबुक। अनीस मैं आपको पूछ रही हूँ कि आप अपने घर में और भी कोई बर्तन या कोई भी चीज, पेपर को छोड़ के कोई भी चीज, पेपर में हम आज नहीं बना रहे हैं, हम पेपर यूज नहीं करने वाले हैं, हम दूसरे तरह यूज करेंगे। यस, बॉक्स, कार्डबोर्ड डब्बा, छोटा सा कोई भी अलग चीज जो पेपर ना हो, कुछ भी। ओके मैम, 2 मिनट्स। अमनुल्ला हैज शोन मी अ बॉटल, आप लोग बॉटल्स ला सकते हो। यस मैम, आई आल्सो हैव बॉटल। वेरी गुड, प्लीज गेट योर बॉटल। Okay, I'm waiting for others also to get something.
एनी सरफेस, अगर आपके पास कपड़ा है, एनी कपड़ा ऑल्सो, एनी थिंग इज फाइन. मग ला सकते हो आप. आई वॉन्ट यू ऑल टू शो मी. वेरी गुड अनीज, इज दैट अ बुक? डायरी? अनीज एक डायरी लेकर आया है. वाओ वेरी नाइस. इज दैट अ डायरी या फोन का केस? मैम पर्स है. वाओ फोन रखने का पर्स है. नाइस, वेरी नाइस. और गाइस आप देख सकते हो अनीज ने जो पर्स उठाया है उसका सरफेस पूरा प्लेन है और उसमें बहुत अच्छी ड्राइंग बनेगी. शाबाज, इज दैट अ प्लेट? वेरी गुड. शाबाज हैज गॉट अ प्लेट. शाबाज, इज दैट अ प्लेट? अनीस, थैंक यू फॉर शोइंग दैट. शाबाज, क्या वो प्लेट है? वेरी नाइस, प्लास्टिक का प्लेट शाबाज ने लिया है. गाइस क्विकली अपना वीडियो ऑन करो एंड शो मी एक 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 चीज जो आप लेकर आए हो, जल्दी जल्दी से प्लीज. थैंक यू अमनुल्ला. अमनुल्ला का ऑलरेडी आई हैव सीन. अमनुल्ला'स ड्राइंग इज ऑल्सो वेरी नाइस. गुड प्रैक्टिस अमनुल्ला, वेरी गुड वर्क. थैंक यू. ओके उमे कुलसुम, अस्मा, सिमरन, कम ऑन क्विकली, आई एम वेटिंग फॉर योर वीडियोज टू बी ऑन. उमे कुलसुम, यस उमे बच्चे, आप उसका वो जो कवर है माजा की बॉटल का कवर हटा दो, उसको एकदम ट्रांसपेरेंट वाला सरफेस बना दो. बट गुड, उमे हैज गॉट अ बॉटल. आयशा, महक, व्हाट हैव यू गॉट? महक हैज शोइंग मी अ बॉटल. वेरी गुड, एकदम प्लेन बॉटल महक, वेरी नाइस. उमे जरफत हाजिरा क्विकली. सुहेल साहिल, मैम आई हैव गॉट, वेट माय वेरी शो. रिहान महक, यू गाइस आप लोग प्लीज ऐसे ही मत बैठो, आई डोंट वांट कोई खाली बैठेगा. सिमरन, यस वेरी नाइस. अगेन उसका स्टिकर निकाल दो. हाजिरा, रिमूव द स्टिकर. सुहेल, व्हाट आर यू गेटिंग? रिहान महक, व्हाट आर यू गेटिंग? क्या लेकर आ रहे हो आप, कौन सा सरफेस? आई वांट ऑल ऑफ यू टू शो मी एटलीस्ट वन वन सरफेस. महक, रिहान, क्विकली. मैम आई टेक बॉक्स. मैम आई हैव गॉट वन स्मॉल डब्बा. वेरी गुड, दैट्स अ नाइस डब्बा. सुहेल, व्हाट आर यू शोइंग? ओके सिमरन, मैंने सिमरन से अभी तक कुछ नहीं देखा है, बाकी सबने मुझे दिखा दिया है. रिहान महक ने नहीं दिखाया, सुहेल ने नहीं दिखाया है कुछ भी अभी तक. ओके ओके दैट्स अ गुड बॉटल सुहेल, थैंक यू सो मच. बट प्लीज मेक श्योर कि आप ये बॉटल के साथ डार्क कलर्स यूज कर रहे हो, क्योंकि अगर आप लाइट वाले कलर्स यूज करोगे, ऑलरेडी इस बॉटल में कुछ डिजाइन बनी हुई है. ओके महक एंड रिहान हैव अ कार्डबोर्ड डब्बा. वेरी गुड सरफेस महक एंड रिहान. सुहेल, ट्राई टू यूज अ बॉटल जो एकदम प्लेन हो सरफेस, ठीक है, उसमें डिजाइन नहीं बनी होनी चाहिए. वेरी गुड क्लास, अमेजिंग, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग ऑल दीज सर्फेसेस. और को सर यू कैन शेयर योर स्क्रीन नाउ. और को सर आर यू शेयरिंग योर स्क्रीन? प्रेजेंटेशन और को सर, नॉट योर प्री वर्क. यस थैंक यू. नाउ यू कैन सी सम पिक्चर्स ऑन योर स्क्रीन. Yes, ma'am. अल्टीमेटली कुछ इस तरह का बनाना चाहते हैं, ठीक है गाइस, क्योंकि यस यू कैन ऑल्सो टेक ग्लास बॉटल सुहेल. सॉरी गाइस मेरा गला थोड़ा ज्यादा ही खराब हो रहा है. ओके यू कैन सी ऑल ऑफ दीज पिक्चर्स ऑन योर स्क्रीन. यू कैन जूम ईच वन ऑफ देम एंड सी. व्हाट डू यू थिंक फर्स्ट पिक्चर में क्या इन्होंने यूज किया है? व्हाट इज दैट? इट्स अ बुक मार्क. किस चीज से बना है ये बुक मार्क? कपड़े से मैम. कपड़े से? ओके हो सकता है कि कपड़ा, कपड़े में इन्होंने पेंट किया है, और मे बी इन्होंने कार्डबोर्ड में पेंट किया है. कार्डबोर्ड, इट लुक्स लाइक अ कार्डबोर्ड, या हो सकता है कार्डबोर्ड के ऊपर इन्होंने कपड़ा चिपकाया हो. और कार्डबोर्ड से मैम, कार्डबोर्ड से. ओके सो फॉर द फर्स्ट वन यू कैन यूज कार्डबोर्ड, एंड उन्होंने वो जो रस्सी उसमें, सॉरी, उन्होंने जो रस्सी बांधी है, दोस रस्सी इज मेड अप ऑफ वुल. सेकंड वाले में इट लुक्स लाइक अ वास. व्हाट हैव दे यूज्ड? वाटर बॉटल. यस एंड द थर्ड वन?
is again a water bottle. Glass bottle. Maybe they've used plastic bottle को cut करके. Yes. तो plastic bottle को अगर आप cut कर देते हो और iron box यानी इस्त्री वाले डब्बे के ऊपर अगर आप उसको ऊपर से थोड़ा जला देते हो तो उसके जो एंड वाला पार्ट है, I'll show you by drawing on it, उसका जो ये वाला पार्ट है वो थोड़ा ब्लंट हो जाएगा, वो शार्प नहीं रहेगा अगर आप उसको जला लेते हो. ठीक है, तो देन इट विल लुक लाइक, गो ऑन म्यूट. ओके, व्हाट अबाउट द फोर्थ पिक्चर? यहाँ पे आपको क्या लगता है, व्हाट हैव दे यूज्ड? बॉटल. Bottle? Is that looking like a bottle? No, it is a necklace. ये गले का necklace जैसे किसी ने लोगों ने बनाया है. क्या use किया होगा इसमें? मैम कार्डबोर्ड शीट. Yes, cardboard sheet. And next, in the next one, we have a pot. मैम जो खाना आपने किया थे ना मैम. Yes, ये तो market में मिलेगा आपको flower pot easily. Yes, and next one we have keychain. Keychain, ये किससे बनाया होगा guys? Cardboard. Maybe cardboard या हो सकता है plastic plastic की है ना, plastic की कोई मोटी सी, अगर कोई plastic मोटा सा होगा उसको circle में cut करके भी ये बन सकता है. Yes ma'am. And ऊपर से बस एक होल डाला इन्होंने और वो keychain वाला जो ring है वो तो हर जगह से मिल जाएगा. करेक्ट, यस मैम, परफेक्ट. हम लोग भी कुछ इस तरह से ही बनाने का कोशिश कर रहे हैं गाइस. वी विल आल्सो ट्राई कि आगे जाके हम ऐसी ऐसी चीजों पे, ऐसी सरफेसेस पे बनाना सीखें. और आप नोटिस करोगे कि कितना इवनली एकदम सर्कल में इन्होंने बनाया है. ठीक है, कुछ टेढ़ा मेढ़ा नहीं हुआ है. आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि आपके पेपर में जब आपने बनाया तो इधर उधर से टेढ़ा मेढ़ा हो गया होगा कुछ ना कुछ, राइट? लेकिन इसमें जब आप एक्चुअली मार्केट के लिए कोई चीज बनाओगे तो आपको ध्यान रखना है कि उसका शेप एकदम परफेक्ट है और हर एक सर्कल एकदम परफेक्टली राउंड है. ठीक है, तो अगर आपने मान लो यहाँ पे लाइक यू कैन सी यहाँ पे बड़ा सा सर्कल और धीरे धीरे इट इज बिकमिंग स्मॉल. ऐसा नहीं है कि छोटा होने के बाद यहाँ पे एक और बड़ा सर्कल बना दिया है, इट वोंट लुक नाइस. ठीक है, सो मेक श्योर कि आप बहुत ध्यान से सर्कल्स बनाओगे और बहुत अच्छे से डिजाइन बनाओगे. सो नेक्स्ट स्लाइड ऑल्सो सर, यू ऑल कैन गो एंड गेट ऑल ऑफ दीज थिंग्स. आपके मटेरियल्स अपने पास रखो, वी आर गिविंग यू 1 मिनट. A4 शीट पेपर की जगह पे आपने जो मटेरियल्स कलेक्ट करे हैं अभी आप उस पे ड्रॉ करोगे. आज आप पेपर पे ड्रॉ नहीं करोगे, यू आर गोइंग टू ड्रॉ ऑन योर सरफेस. ठीक है मैम, देन व्हाई यू आस्किंग पेपर A4 शीट मैम? दैट इज पिछले वाले क्लास का, वी हैव पुट द सेम थिंग सो वी फॉरगॉट टू रिमूव इट. हम हटाना भूल गए थे, सो डोंट वरी, यू कैन गेट एनी अदर सरफेस. ओके, बट अगर आप पेपर लाइक कीप इट अपने पास पेपर सो दैट कुछ अगर आपको क्लीन करना हो तो वेस्ट कपड़ा या वेस्ट पेपर रखो अपने पास. मैम आफ्टर दैट व्हाट वी हैव टू डू मैम? आई विल टेल यू. सबसे पहले आप ये सारी मटेरियल्स अपने पास कलेक्ट करके रखो प्लीज. ओके मैम. ओके डन. यस मैम, I can show you. You can show also. Yes, please show, miss. Okay. So guys, if you've got your materials, please give me a thumbs up. जिन बच्चों के पास अभी भी poster colors है, I can see Anis ने जो मेरे को colors दिखाए थे वो water colors थे. Yes, Anis? Yes or no? Yes, ma'am. Anis, आपको acrylic paint का 2 बॉटल अगर हो सके तो प्लीज बाय इट फ्रॉम मार्केट, क्योंकि आपके जो वाटर कलर्स हैं वो ऐसे प्लास्टिक या ग्लास वाले सरफेस पे टिकेगा नहीं. ओके, और आपका वो जो पर्स है उस वाले सरफेस में वो गीला हो जाएगा, इट विल मेक इट वेट, वो भिगो देगा उसको, वो टिकेगा नहीं उसमें. ओके, सो नेक्स्ट टाइम अनीस विल बाय.
इट्स ओके अनीस, अभी आपके पास जो भी सामान है आप उसी से प्रैक्टिस करोगे, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम. बट मैं आपको अभी भी कह रही हूँ, आप अपना वो पर्स वाला मत बिगाड़ो, कोई और चीज यूज करो जो आप, कोई भी गाइस एकदम अच्छी, बहुत ज्यादा अच्छी चीज पे भी मत वेस्ट करो. यूज अ सिंपल वेस्ट बॉटल, कोई भी वेस्ट चीज पे आप आज ड्रॉ करोगे और प्रैक्टिस करोगे, ताकि एक दो बार आप प्रैक्टिस करोगे कोई वेस्ट सी चीज के ऊपर, उसके बाद आप किसी अच्छी चीज पे बना सकते हो जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा. ओके, तो कोई अच्छा अच्छा मटेरियल है तो उसको अभी वेस्ट मत करो प्लीज. आप नॉर्मली एक नोटबुक का कवर भी ले सकते हो, ठीक है, यू कैन टेक एनी ऑफ दोस बुक्स या ऐसी कोई चीज जिसके कवर पे आप बना सको. ओके, और को से विल गो टू नेक्स्ट स्लाइड. नाउ वी हैव वर्क टाइम अगेन फॉर 30 मिनट्स. अभी 7:08 हो रहा है, टिल 7:30 पहले हम वर्क टाइम करेंगे, और देखते हैं कि अगर हमें और टाइम चाहिए होगा तो हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं, बट 30 मिनट्स हमारा वर्क टाइम है. आप इन सर्फेसेस पे, एंड हो सके तो प्लीज अपना वीडियो ऑन करके फोन अपने सामने रख लो, सो दैट वी कैन सी व्हाट यू आर डूइंग. ओके, सो हियर्स अ सैंपल, लाइक यू कैन सी, एक मग में इन्होंने बनाया है बहुत प्यारे से डॉट्स. ओके, आपको पता है ये कैसे बनाते हैं, यू कैन कॉपी दिस सेम डिजाइन. और को सर ये डिजाइन स्क्रीन पे ही रहने देंगे. बट मैम, यू कैन सी द स्क्रीन राइट, मग में इन्होंने जैसे डिजाइन बनाया है, सो यू गाइज कैन मेक द सेम सॉर्ट ऑफ अ डिजाइन ऑल्सो, या आप अपना खुद का डिजाइन भी बना सकते. मैम, फर्स्ट वी हैव टू कलर दैट thing what we have. I don't think so, Mehak. अभी आप practice ही कर रहे हो तो आपको इतना perfectly भी करने की जरूरत नहीं है. So don't color it completely, क्योंकि आपका paint अभी waste हो जाएगा. So right now you just make the dots, सिर्फ dots बनाओ, उसका background paint करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है. बट मेक श्योर कि आप कोई ऐसे सरफेस पे बना रहे हो जो कि वेस्ट है, जिसको आप वॉश भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है. डोंट यूज अच्छी अच्छी चीजें अभी के लिए, फॉर द फर्स्ट टाइम डोंट यूज अच्छी अच्छी चीजें. आप प्रैक्टिस करते रहोगे, उसके बाद आप अच्छी सरफेस पे बनाना, ठीक है. सो इफ यू कैन प्लीज टर्न योर वीडियो ऑन ऑल्सो, सो दैट हम देख सकें कि आप लोग क्या बना रहे हो. Ma'am, what is this, ma'am? You've changed your screen. Let's let things all process work. Don't worry about it. Anis, khali dots. Okay, ma'am. Okay. बोल बोल ले मालूम. दूसरा क्या भी ट्राई करे तो सनी देते हैं मालूम. मैं कुछ ना मालूम. दूसरा अच्छा अच्छा ट्राई करे तभी अच्छे रिजल्ट होंगे. Okay, guys, go on mute also. So we are gonna keep working for half an hour. Okay. गाइज, आपको कुछ भी डाउट हो तो आप अनम्यूट कर सकते हो. प्लीज डोंट लीव द कॉल, कॉल कट मत करना. और को सर इज हियर, यू कैन आस्क डाउट्स एज मच एज यू कैन. यू कैन टर्न योर वीडियोस ऑन, दैट विल बी ग्रेट. मैं बनाने के बाद देखूंगा. अच्छा ठीक है, बट मुझे कैसे पता चलेगा आप बना रहे हो?
यस सो गाइज आपका वर्क टाइम इज ओवर. ये एक सैंपल डिजाइन जो बनाया है, कीप इन माइंड सर्कल्स छोटे होने चाहिए. सर आई हैव सेंड यू इन यस यस थैंक यू सो मच. ओके मेक श्योर कि आप जो सर्कल्स हैं वो एक सर्कल के बाद ही दूसरे लेयर का सर्कल बनाना स्टार्ट करो. रैंडमली अगर आप ऐसे डॉट्स डालोगे तो वो बहुत गंदा दिखेगा. आपको एक एक लेयर बाय लेयर जाना है, ठीक है. एक्रेलिक पेंट्स यूज करने हैं और ये शेप्स जो है इन शेप्स को बहुत प्रॉपरली बनाना है, तभी वो अच्छे से दिखेगा. और आप थोड़ा कोशिश करना कि जितना राउंड बना सको, अगर आपके पास कोई छोटा सा भी कोई चीज है अगर उसको आप थोड़ा से खींच के राउंड थोड़ा बड़ा से बनाना चाहते हो तो इट शुड लुक इवन, ठीक है. आप कचरा करके इधर उधर सर्कल कर दोगे तो वो इधर से क्या है बाहर चला जाएगा, फिर वो सर्कल नहीं दिखेगा, इट विल लुक बैड, ठीक है. आपका अभी वेडनेसडे या थर्सडे को हम लोग एक और मीटिंग रखेंगे. और को सर ये वीडियो रिकॉर्डिंग आपके क्लास ग्रुप में अभी भेज देंगे. आपको मेक श्योर करना है कि स्कूल में भी आप अपने फ्रेंड से पूछो कि वीडियो देखा, ड्राइंग बनाया कि नहीं. टीचर्स भूल भी जाते हैं तो आप लोगों को पूछना है बाकी बच्चों से. क्लियर और नॉट, गिव मी अ थम्स अप. समझ आया सबको? यू विल गो टू क्लास एंड आप क्या करोगे, क्या करोगे क्लास में अमनुल्ला? टेल मी, कोई तो बताओ अनम्यूट करके. क्लास में जाके आप क्या करोगे, क्या पूछोगे फ्रेंड्स से? वीडियो देखा कि नहीं, ड्राइंग बनाया कि नहीं, ड्राइंग बनाया कि नहीं, क्यों अटेंडिंग किया क्लास? ठीक है, तो आप अपने फ्रेंड्स को बोलो कि हेलो प्लीज डोंट सिट लाइक दिस, मेक सम ड्राइंग एंड ब्रिंग इट, ठीक है. और हम वेडनेसडे एंड थर्सडे को जैसे लास्ट टाइम और सर ने क्लास लिया था ना, जहाँ पे आप सबने आपका एक एक ड्राइंग दिखाया था और हमने उस पर फीडबैक दिया था कि इसको इस तरह बनाओ उस तरह बनाओ, वैसे ही हम लोग इस हफ्ते भी एक और सेशन बनाएंगे. तो नेक्स्ट 2-3 डेज के अंदर अंदर जितना आप ड्राइंग बना सकते हो अलग अलग सरफेस पे, पेपर पे नहीं सरफेस पे, आप बना के हमको नेक्स्ट मीटिंग में दिखाओगे. ओके क्लियर ऑल ऑफ यू? मैम यस मैम, मैं ये नहीं है, अभी दिखा तुम खड़ा मैं बंडा. तुम उस दिन भी दिखाना, ठीक है. ये साहिल ऑनलाइन क्लास मैम. ओके अब जो शायद साहिल, डू यू वांट टू से समथिंग? साहिल इज नॉट एबल टू अनम्यूट हिमसेल्फ इट सीम्स. ओके ओके और कुछ है तुम को?